हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजी मोल्टेक में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक्स ऑफ मोल्ड डिजाइनिंग पार्ट वन। ये सीरीज में हम लोग बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ मोल्ड डिजाइनिंग देखेंगे, डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड देखेंगे, डिफरेंट मटेरियल देखेंगे और हमारे जो मोल्ड इंडस्ट्री है करंट सिनेरियो उसके बारे में जानेंगे। और सब्सिक्वेंटली दोस्तों हम लोग आगे यूनिग्राफिक्स में मोल्ड डिजाइनिंग भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक इंजेक्शन मोल्डिंग जिसका मैंने सेक्शन करके रखा हुआ है। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट, ताकि इस टेक्निकल वीडियो सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो। दोस्तों बेसिक्स ऑफ मोल्ड डिजाइनिंग यूजिंग मिनी ग्राफिक्स में जो कंटेंट हम लोग कवर करेंगे आज दोस्तों, वो है हमारा बेसिक्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग देखेंगे। दोस्तों मोल्ड साइकिल के बारे में जानेंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट्स के बारे में जानेंगे, प्लास्टिक प्रोसेसिंग डिफरेंट जो मेथड्स यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों मोल्ड इंडस्ट्री जो करंट सिनेरियो उसके बारे में देखेंगे और इंजीनियरिंग प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। दोस्तों पहला टॉपिक रहेगा हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग में, व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग क्या है? इंजेक्शन मोल्डिंग इज अ मेथड टू ऑब्टेन मोल्डेड प्रोडक्ट बाय इंजेक्टिंग मोल्डन प्लास्टिक इनटू द मोल्ड एंड देन कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग देम। दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग वो प्रक्रिया है जिसमें हम पिघले हुए प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में भरते हैं और उसको ठंडा और सॉलिडिफाई करने के बाद इजेक्ट कर सकते हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके जो प्रोसेस रहते हैं, स्टेजेस रहते हैं, क्लैंपिंग, इंजेक्शन, डोलिंग, कूलिंग, मोल्ड ओपनिंग एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। इसके जो मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंजेक्शन मोल्डिंग है, हम लोग हाई प्रोडक्शन स्पीड और हाई प्रोडक्शन रेट अचीव कर सकते हैं विद हाई एक्यूरेसी एंड कॉम्प्लेक्स शेप को भी, ठीक है। तो और इसको हम लोग वैरायटी ऑफ कलर में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग एंड इट्स बेसिक्स। दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा मोल्ड डिजाइनिंग में मोल्ड साइकिल। मोल्ड साइकिल क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल। जो एक साइकिल होती है जिससे हमारे मोल्ड क्लोजिंग से लेके मोल्ड इजेक्टर तक, उसे हम लोग मोल्डिंग साइकिल कहते हैं। पूरे चक्र को हम लोग मोल्डिंग साइकिल कहते हैं। द होल इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस यूजुअली लास्ट फ्रॉम 2 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होता है ज्यादातर। देयर आर 4 स्टेजेस इन दिस साइकिल, क्लैंपिंग, इंजेक्शन, कूलिंग एंड इंजेक्शन स्टेट। जो हमारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं मोल्ड डिजाइन में दोस्तों, वो है नंबर ऑफ कैविटी। अगर नंबर ऑफ कैविटी ज्यादा होगी तो हमारा सर्कल टाइम ज्यादा होगा। टाइप ऑफ मटेरियल कैसा है, रिमूवल मोल्ड, ये रनर रिमूवल कैसा है, मैनुअल है या ऑटो है, रनर एंड गेट टाइप, ऑटो डिगेटिंग है, मैनुअल डिगेटिंग है, इससे भी हमारा फैक्टर इफेक्ट करता है मोल्ड साइकिल में। ज्योमेट्री ऑफ द जो पार्ट रहता है, जो कंपोनेंट रहता है, उसमें भी हमें साइकिल टाइम ज्यादा होता है। मोल्ड डिजाइन कैसा है एंड टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे मोल्डिंग साइकिल में दोस्तों। दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स। क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग? थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको हम लोग एक बार पिघलाने के बाद फिर से रीशेप कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेट में एक बार अगर हम लोग इसे पिघला लिया हीट करके, उसके बाद वो रीशेप नहीं कर सकते। यही मेजर डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट में। दीज प्लास्टिक डू नॉट अंडरगो एनी चेंज इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन when subjected to heat and can be changed into soft state and remolded multiple times. Or thermosetting में this plastic can only be molded once and they cannot be softened and further heated. This plastic undergo degradation and became damaged when exposed to the large amount of heat. ठीक है दोस्तों, यही इसका major difference है। इसके जो हमारे example है polystyrene, teflon, acrylic, nylon, ABS, PC, ये सब हमारे thermoplastic में आते हैं। Thermosetting में हमारे epoxy, vanillin और बेकलाइट वगैरह आते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो डिफरेंस है थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक्स में, वो है शेप। शेप कैन बी रीशेप बाय रीमेल्टिंग, इसको हम लोग फिर से पिघला के रीशेप कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेट में हम लोग नहीं कर सकते। जो स्ट्रेंथ रहती है वो लो रहती है कंपेयर टू द थर्मोसेट्स, ठीक है दोस्तों। रिसाइकलेबिलिटी, यस नो, ठीक है, इसमें हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते। मेल्टिंग पॉइंट लो रहती है इसकी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई रहती है, लेकिन जो सरफेस फिनिश रहता है वो वेरी हाई हम लोग अचीव कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग कार पहन के यही यूज करते हैं हम लोग। और थर्मोसेट्स में हम लोग जो इसका आउटर फिनिश रहता है वो ओवर रहता है। दिस आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक। दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक्स इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड। कौन कौन से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड होते हैं हमारे, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। पहला रहेगा हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग जिसके बारे में हम देखा, रोटो मोल्डिंग, एक्सट्रूजन होता है, वैक्यूम फॉर्मिंग, ब्लो मोल्डिंग और गैस असिस्टेंट इंजेक्शन मोल्डिंग। थर्मोसेट में हमारा कंप्रेशन मोल्डिंग होता है। दोस्तों अगला टॉपिक रहा हमारा बेसिस ऑफ मोल्ड डिजाइन में इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। जो हमारा पहला प्रोसेस रहेगा दोस्तों वो देखेंगे हम लोग,
इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग कंसिस्ट ऑफ हाई प्रेशर इंजेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द मोल्ड विच शेप द पॉलीमर इनटू द डिजायर्ड फॉर्म. ठीक है, द कैविटी प्लेस इज जनरली माउंटेड ऑन द स्टेशनरी पैनल एंड हाउसिंग इन द इंजेक्शन नोजल. जो हमारा फिक्स साइड रहता है वो नोजल के साइड लगा रहता है और जो मूविंग हाफ है वो इधर लगा रहता है. दोस्तों यहाँ से हॉपर से हम लोग मटेरियल फिट करते हैं, जो पैलेट्स रहते हैं वो बैरल के थ्रू, स्क्रू के थ्रू, नोजल के थ्रू हमारे मोल्ड में चला जाता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग. दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में ब्लो मोल्डिंग. ब्लो मोल्डिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट होलो प्लास्टिक पार्ट बाय इन्फ्लेटिंग अ हीटेड प्लास्टिक ट्यूब अंटिल इट फिल द मोल्ड एंड फॉर्म द डिजायर्ड शेप. जो दोस्तों इसमें हम लोग पहले से ही पेरिजन डालते हैं, ये देख सकते हैं हम लोग पेरिजन. उसके बाद हम लोग यहाँ से एयर ब्लो करते हैं जिससे कि ये दोनों कैविटी साइड में अपना डिजायर्ड शेप ले लेता है. उसके बाद हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारा टूल. इसमें हमारा कोर ही नहीं रहता है दोस्तों, दोनों साइड कैविटी रहता है. ज्यादातर आप देखते हैं प्लास्टिक की जो बॉटलें यूज करती है ये इसी प्रोसेस से बनता है. द ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस बिगन विद द मेल्टिंग ऑफ द प्लास्टिक एंड फॉर्मिंग इनटू अ पेरिजन और प्रीफॉर्म दिस कैन बी डन बाय एक्सट्रूजन और इंजेक्शन मोल्डिंग. ठीक है दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक्स ऑफ मोल्ड डिजाइन में. अगला प्रोसेस रहेगा मोल्डिंग का, वो रहेगा एक्सट्रूजन मोल्डिंग. एक्सट्रूजन मोल्डिंग एक्सट्रूड और फॉर्म आउट ऑफ मटेरियल थ्रू अ डाई टू क्रिएट सच प्रोडक्ट like holes, drinking straw, rods and pipe. ये इसके प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है दोस्तों. एक्सट्रूशन मोल्डिंग इज डन बाय एक्सट्रूशन थ्रू अ मशीन मोटर टर्न अ स्क्रू व्हिच फीड प्लास्टिक थ्रू अ हीटर. देख सकते हैं यहाँ पे हॉपर के यहाँ के अंदर स्क्रू रहता है, इसके आगे डाई रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है. द कैनुअल इन द प्लास्टिक मेल्ट इनटू द लिक्विड व्हिच इज पुश थ्रू द डाई टूल. ये डाई के जो भी हमारे डाई का शेप है उस अनुसार हमारा डिजायर्ड शेप फॉर्म करता है. This the force the material to the tube shape determined based on the specific shape of the die. ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा एक्सट्रूशन मोल्डिंग. दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग में मोल्डिंग प्रोसेस का रहेगा, वो है रोटेशनल मोल्डिंग. रोटेशनल मोल्डिंग कॉमनली एज ए रोटो मोल्ड भी कहते हैं. दिस प्लास्टिक कास्टिंग टेक्निक यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज होलो सीमलेस एंड डबल वॉल्ड पार्ट. इट इज अ थ्री स्टेज प्रोसेस व्हिच इनवॉल्व अ मोल्ड इज रोटेटेड फ्रेम, अ हीटिंग चैम्बर एंड अ कूलिंग चैम्बर. ज्यादातर देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो घर में जो वाटर टैंक रहता है वो इसी प्रोसेस से बना रहता है. ये कुछ और प्रोसेस है, ये इसके प्रोसेस स्टेज. हमने इसमें पैलेट डाल दिए, उसके बाद हीटिंग हुआ, उसके बाद कूलिंग करा हमने, फिर निकाल दिया. ठीक है दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग में कंप्रेशन मोल्डिंग. कंप्रेशन मोल्डिंग या प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग इन बीच प्री हीटेड पॉलीमर इज प्लेस इन ओपन हीटेड एंड मोल्ड कैविटी में. ये देख सकते हैं हम लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रख दिया है. ठीक है दोस्तों, थोड़ा हीटेड है. द मोल्ड इज देन क्लोज्ड विद टॉप प्लंजर एंड कंप्रेस इन ऑर्डर टू हैव द मटेरियल कॉन्टैक्ट ऑल द एरिया ऑफ द मोल्ड. जो हमारा पिघला हुआ मटेरियल है वो कंप्रेस हो जाता है दोस्तों. ठीक है, और वो जो हमारा डिजायर शेप है हम फॉर्म कर देता है. ये इसको पुश करता है, जो हमारा कोर रहता है, फिर हमारा जो डिजायर शेप है वो ले लेता है. ये देख सकते हो दोस्तों, ये क्लोज हो गया, उसके बाद वो ओपन हो गया. ये डिफरेंट प्रोडक्ट भी आप लोग देख सकते हैं. ठीक है दोस्तों, ये दिस इज ऑल अबाउट आवर कंप्रेशन मोल्डिंग. दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में करंट सिनेरियो ऑफ मोल्ड इंडस्ट्री. अभी करंट सिनेरियो क्या है मोल्ड इंडस्ट्री का. परस्यूइंग ऑफ फ्लैट वेट डिजाइन इन द ऑटोमोबाइल प्रमोट द यूज ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग. क्योंकि ये जो हमारा प्लास्टिक रहता है वो लाइट वेट, केमिकल रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंस रहता है. इस कारण हम लोग प्रमोट हो रहा है ये ऑटोमोबाइल में. ठीक है दोस्तों, 95% part rely on mold for batch production that can be injection molding, die casting, sheet metal. ठीक है दोस्तों, जो हमारे 95% parts रहते हैं वो हमारे batch production पे depend रहते हैं. ठीक है, mold of 20,000 auto parts are made in development of new car. आजकल जो जो हमें कार आ रही है उसमें 20,000 तक parts जो है वो हमारे mold में develop हो रहे हैं. Plastic component account for 10-15% of the weight of the car. अभी जो आ रहे हैं कार दोस्तों वो 10-15% जो है वेट है वो प्लास्टिक कंपोनेंट का है. और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मोल्ड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू कार्स. जो हमारी नई कारों में जो डिमांड है उसके सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि मोर देन 100 डाई कास्टिंग मोल्डेड कंपोनेंट लगते हैं हमारे न्यू कार में. ठीक है दोस्तों, मोर देन 300 शीट मेटल मोल्डिंग आर यूज, मोर देन 800 प्लास्टिक मोल्डिंग कंपोनेंट आर यूज, मोर देन 1500 स्टैम्प डाई आर यूज.
यूज्ड। ठीक है दोस्तों, और 20,000 तो हमने अभी देखा था जो हमारे कंपोनेंट यूज होते हैं कारों में। ठीक है, दिस इज ऑल द सिनेरियो ऑफ न्यू मोल्ड इन। दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा मोल्ड टेक्नोलॉजी में डिमांड फॉर थर्मोप्लास्टिक्स। जो डिमांड सिनेरियो उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारे स्टैंडर्ड प्लास्टिक रहते हैं वो है पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और पीएस। ये हमारे स्टैंडर्ड जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर इसी मटेरियल से बने हुए रहते हैं। और जो इंजीनिक प्लास्टिक होते हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल एयरप्लेन में यूज करते हैं उसमें रहते हैं दोस्तों एबीएस, एक्रोलोग्लिसरीन, स्टाइरीन, ठीक है, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट, पीओएम, पीईटी, पीपीओ। ठीक है, दिस आर वेरी हाई केमिकल रेजिस्टेंस एंड हीट रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन आवर इंजीनियरिंग प्लास्टिक। एंड द हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक उसमें होता है दोस्तों एलसीपी, पीबीके, पीईआई, पीईएस एंड पीएसयू। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा इंजेक्शन मोल्ड डिजाइन में प्लास्टिक यूज इन ऑटोमोबाइल इंटीरियर। इंटीरियर में जो हमारे पार्ट्स रहते हैं उसको बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारा ओवरहेड सिस्टम है ये भी प्लास्टिक का बना रहता है। इंटीरियर ट्रिम्स हमारा प्लास्टिक का, ये जो पैनल देख सकते हैं दोस्तों इसमें बेजल, लाइट गाइड, जो भी हमारा कंट्रोलर रहते हैं वो सब हमारे प्लास्टिक के ही बने रहते हैं। स्टीयरिंग व्हील भी हमारा प्लास्टिक की बना रहता है। ये कुछ हमारे पार्ट्स हैं जो हमारे प्लास्टिक के बने रहते हैं दोस्तों। जो प्लास्टिक यूज होता है ऑटोमोबाइल में हमारे एक्सटीरियर में जो कॉमन रहते हैं दोस्तों वो जैसे कि साइड मिरर, ये भी प्लास्टिक के बने रहते हैं दोस्तों। हेडलाइट, ये भी प्लास्टिक के बने रहते हैं। बम्पर्स, ये भी प्लास्टिक का बना रहता है। और फॉग लाइट भी हमारा प्लास्टिक। दिस आर द फ्यू आइटम दैट आर कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एक्सटीरियर्स। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा मोल्ड डिजाइन में प्लास्टिक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल अंडर द हुड। हुड के अंदर जो जो हमारे प्लास्टिक कुछ कंपोनेंट है उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पहला रहेगा हमारा एयर क्लीनर, वो भी प्लास्टिक का बना रहता है। बैटरी कवर जो वो है प्लास्टिक का रहता है। इंजन ऑयल फिल्टर कैप, ये भी प्लास्टिक का रहता है। कूलेंट रिजर्वायर, ये भी हमारा प्लास्टिक का रहता है। और लेग फ्लूइड रिजर्वायर, ये भी प्लास्टिक का रहता है। दोस्तों ये कुछ है जो अंडर द हुड में हमारे ऑटोमोबाइल के यूज किए जाते हैं जो कि प्लास्टिक कंपोनेंट के रहते हैं। दोस्तों ये कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।